बिहार के नए पर्यावरण मंत्री ना सिर्फ पर्यावरण को शुद्ध करने बल्कि पर्यावरण की शुद्धता के साथ साथ लोगों को रोजगार देने के लिए एक पौधे की मदद लेने जा रहे हैं। जी हाँ, सेंसिबेरिया पौधे के जरिए बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि ये पर्यावरण को शुद्ध भी करेगा। ये जो कल्चर मार्केट में चल रहा है कि हम कहीं जाते हैं तो बड़ा बड़ा गुलदस्ता ले जाते हैं फूलों का, और वो गुलदस्ता घर में रखते हैं आज और कल उसे बाहर फेंकना पड़ता है। उसका प्राइस भी कम से कम 300 होता है, ऊपर 1000 से 1500-2000 तक का गुलदस्ता दिल्ली में मिलता है। हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक संदेश देना चाहते हैं हम, और ये एक सही है कि हम लोग एक प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, सेंसिबेरिया का पौधा है। और सेंसिबेरिया पौधा ऐसा होता है कि जो आप घर में अगर रखेंगे, 2-3 अगर घर में रख ले, ये इंडोर प्लांट है, तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरे कार्बन को ख़त्म करने का काम करता है, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगा इससे। और सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग अगर ये गुलदस्ता आदान प्रदान करते हैं, गुलदस्ता की जगह इस प्लांट का आदान प्रदान करते हैं, तो एक क्लाइमेट चेंज पर ये बड़ा एक संदेश जाएगा और बर्बादी से भी हम लोग बचेंगे और कहीं ना कहीं एक रोज़गार भी मुहैया होगा। मेरा फोकस रोज़गार पे हमेशा रहता है। इसमें हमने तय किया है कि हम इसके गमले मिट्टी के बनवाएंगे ताकि एक मिट्टी वाले को काम मिल जाएगा, कुम्हार भाई को एक काम मिल जाएगा कि मिट्टी का गमला, उस पर उसके ऊपर हम लोग मधुबनी पेंटिंग कराएंगे और मधुबनी पेंटिंग के बाद उसमें प्लांट लगाएंगे। तो एक सुंदर सा हम लोग अभी देना शुरू किए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक प्लांट देके भेंट किए हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि इसका आदान प्रदान हम लोग बढ़ाएं। और इसके कई तरह के डिजाइनर गमले भी हैं, आप देख सकते हैं 3-4 तरह के यहाँ गमले हैं, डिजाइनर गमले हैं। तो हम अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि आप इसे प्रमोट करिए और अपने सभी सेंटरों पर इसको रखिए ताकि लोग वहाँ से परचेज कर सके। तो एक रोज़गार भी होगा, दूसरा कहीं ना कहीं एक हरा भरा बिहार का संदेश जाएगा। सेंसिबेरिया के पौधे के जरिए बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। पटना से एटीवी भारत के लिए अमित वर्मा।